कि साक्षी मलिक तो पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, तो उनकी तस्वीरें दिख रही हैं हमारे प्रदेश क्या पूरे देश में, ऐसी न जाने गली कूचों में कितनी बच्चियां हैं, कितनी बेटियां, कितनी स्त्रियां हैं जिनके आंसू हम तक दिख ही नहीं रहे हैं, मीडिया पहुंच नहीं पा रहा है। बीजेपी की गरीबों पे कहीं बिलडोजर चल रहा है, कहीं कुछ, हर तरह से लोग परेशान हैं। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं देखेगा जो खुश है। ये सब झूठा है। भाजपा सिर्फ कागजों पे काम कर रही है, जमीन पे कुछ काम नहीं कर रही है। महिलाएं अगर दुर्गा बन सकती हैं और लक्ष्मी बन सकती हैं तो चंडी भी बन सकती हैं, और इसी चंडी बनकर के इन भाजपा को उखाड़ फेंकना है और सारे महंगाई, बेरोजगारी इन सबों से दूर, मतलब सबको आज़ादी दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है और गुमराह कर रही है। और दूसरी बात, ये जो वो महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसी जो बातें करती है, अगर ऐसी बात है तो मणिपुर में वो किसकी बेटियां थी जो सड़कों पर दौड़ रही थी? और मणिपुर छोड़ दीजिए, December 3 लखनऊ में एक रिटायर्ड PCS अधिकारी की बेटी के साथ गैंगरेप होता है जिसकी FIR दर्ज होने में 4 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। सभी नारियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और नारी शक्ति के लिए क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और क्या कुछ अपील की है इस मीटिंग में, सभी महिलाएँ मौजूद थी। और बात कर लेते हैं, शिल्पी चौधरी जी हैं हमारे साथ। मैम, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है 2024 को लेकर, क्या रणनीति बनाई है? देखिए, 2024 को लेकर रणनीति वही है, PDA। और आज उन्होंने कहा है कि PDA में ए मतलब आधी आबादी, और आधी आबादी इस देश की आधी आबादी। और उन्होंने कहा अगर आधी आबादी सक्रिय हो गई तो किसी भी, मतलब कोई हमें रोक नहीं पाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। इसके साथ ही जो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार के समय में जो विभिन्न योजनाएं चली थी, गर्भवती महिलाओं के लिए चली थी, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए चली थी, कन्या विद्याधाम चली थी, जो पेंशन योजना, वो सारी योजनाएं आज बंद कर दी गई हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में इन्होंने उस पर सरकार बना ली। लाडली बहन योजना में 500 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव था, और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये प्रस्ताव दिया है कि जब हम केंद्र में आएंगे या हम उत्तर प्रदेश में भी जब आएंगे, अभी विधानसभा दूर है, हम 3,000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन महिलाओं के लिए उन्होंने आज घोषित की है। तो बूथ स्तर की कमेटियों का आज समीक्षा हुई। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती रिबू श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत तूफ़ानी दौरे किए हैं और बहुत अच्छा संगठन बना है, और संगठन के स्तर पे क्या क्या काम रह गए थे उनकी आज समीक्षा हुई और उसके दिशा निर्देश मिले हैं कि हमको अब जो 22 जनवरी से वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमें काम करना है वोटर लिस्ट अपडेट करने पर। मैम, भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और तमाम अभी ऐसे हालात हैं देश में जिस आपने भी देखा होगा, महिला पहलवान ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, इसको कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी तो देखिए सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है और गुमराह कर रही है। और दूसरी बात, ये जो वो महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसी जो बातें करती है, अगर ऐसी बात है तो मणिपुर में वो किसकी बेटियां थी जो सड़कों पर दौड़ रही थी? और मणिपुर छोड़ दीजिए, December 3 लखनऊ में एक रिटायर्ड PCS अधिकारी की बेटी के साथ गैंगरेप होता है जिसकी FIR दर्ज होने में 4 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कौन सी बेटी को ये बचा रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और महिला पहलवानों का तो दर्द पूरी दुनिया ने देखा, और इनकी ढीठता ये कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह से कभी इस्तीफा नहीं ले पाए, उसके बाद भी इन्होंने कुश्ती संघ में अध्यक्ष फिर उन्हीं के खेमे का बनाया, और उसके बाद जो छीछा लेदर हुई उनके पुरस्कार पहलवानों ने वापस किए, ये कहीं से भी वो रोती हुई तस्वीरें। और मुझे लगता है कि साक्षी मलिक तो पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, तो उनकी तस्वीरें दिख रही हैं हमारे प्रदेश क्या पूरे देश में, ऐसी न जाने गली कूचों में कितनी बच्चियां हैं, कितनी बेटियां, कितनी स्त्रियां हैं जिनके आंसू हम तक दिख ही नहीं रहे हैं, मीडिया पहुंच नहीं पा रहा है। तो छलावा है, ये आपको गुमराह कर रही है, और गुमराह करना इनका आधार एक ही है, धर्म। मैम, 24 अभी विधानसभा की तो बात नहीं करते हैं, लोकसभा की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन एक होकर मैदान में है भाजपा के सामने, या फिर टूट जाएगा जिस तरह से भाजपा? क्यों टूटेगा, क्यों टूटेगा? आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, उसके अलावा भारत में जितनी पार्टियाँ हैं वो कोई भी धर्म की राजनीति नहीं करता है। तो हम जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, देखिए महंगाई इतनी कर दी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्होंने एजुकेशन
एजुकेशन पे GST लगा दिया है। अब कोई अमीर व्यक्ति ही पढ़ा सकता है, गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। SC ST बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप्स बंद कर दी हैं, कन्या विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। हम रोजगार की बात करें तो लखनऊ में आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के लोग 7 साल से लगातार मांग कर रहे हैं। तो कहाँ ये हमारे जो PDA जो NDA है, NDA के सारे मुद्दे एक हैं। हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम रोजगार, हम शिक्षा और सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, तो हम क्यों टूटेंगे? हम एक साथ आएंगे, हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी साथ ही आकर। देखिए, समाजवादी में अखिलेश जी ने जो दिशा निर्देश दिया है हमारी महिलाओं को, क्योंकि पहले भी सम्मान करती आई है समाजवादी पार्टी, महिलाओं को ज़्यादा ज़्यादा भागीदारी की बात कही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ज़्यादा ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी करेंगे, और महिलाओं का सम्मान तो होता है और इससे ज़्यादा सम्मान होगा, और ज़्यादातर हो सकता है महिलाएँ भी चुनाव लड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्होंने कहा अपने बूथ पर अपने स्तर पर मेहनत करें आप लोग और काम करें, क्योंकि एक महिला है जो अच्छे से किसी से भी बात कर सकती है, मिल सकती है। तो और ये हम लोग ने सोचा है 2024 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और जिसमें हमारी सरकार आए और हम लोग भी जो है, इस समय ये जो सरकार चल रही है BJP की, गरीबों पे कहीं बिल्डोज़र चल रहा है, कहीं कुछ, हर तरह से लोग परेशान हैं। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं देखेगा जो खुश है। कुछ क्या है, वो जो अभी देखेगा अकबर नगर में इन्होंने गरीबों पे बिना कुछ कहे, और इन्होंने अखिलेश जी का मतलब एक नकल करके कि मैं भी कुछ बनाऊंगा, तो अगर इनको कुछ बनाना था तो ज़रूरी था कि मतलब गरीबों पे बिल्डोज़र चलाया जाए। उनको पहले सूचना देना चाहिए, उनके लिए अलग इंतज़ाम करना चाहिए था, तब बिल्डर चलाना चाहिए। ऐसे लोग रो रहे हैं तो बताइए ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा है? कहीं पे भी कोई फ़ायदा नहीं, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो या महंगाई। देखिए, जो अरहर की दाल कभी 100 रुपये हुआ करती थी, इस समय 200 रुपये किलो है। तो हम लोग इस सरकार कहते हैं, हमने जो भाजपा है वो सरकार दावा करती है कि हमने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है। ये उनका खोखला दावा है। आप देख लीजिए, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, कहीं पर भी आप जाइए महिला सुरक्षित नहीं है, ना महिलाओं को सम्मान उतना मिलता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइए, इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं, खोखला है सारे वादे इनके। हुई क्या कुछ दिशा निर्देश महिलाओं को दिए हैं? महिलाओं को एक तरफ भाजपा कहती है हमने सशक्तिकरण बढ़ाया है, महिलाएं हमसे खुश हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आप कैसे देखिए? ये सब झूठा है। भाजपा सिर्फ कागजों पर काम कर रही है, ज़मीन पर कुछ काम नहीं कर रही है। और हम लोग आज जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें महिलाओं के लिए रखी गई थी कि महिलाएं अगर दुर्गा बन सकती हैं और लक्ष्मी बन सकती हैं तो चंडी भी बन सकती हैं, और इसी चंडी बनकर के इन भाजपा को उखाड़ फेंकना है और सारे महंगाई बेरोजगारी इन सबों से दूर, मतलब सबको आज़ादी दिलाना है। नमस्कार, महिला सशक्तिकरण पे आज हम लोग की चर्चा हुई है। महिलाएं बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के थाली का जो भोजन है वो बहुत कम होता जा रहा है, और बेरोजगारी के रूप में हमें जो हमारे जो लोग प्राइवेट जॉब करते थे वो भी वापस गांव में कस्बों में वापस आ गए हैं, तो रोज़गार एकदम नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत घटता जा रहा है, शिक्षा पे एकदम जोर नहीं दिया जा रहा है। बाकी प्रचार तंत्र पे भाजपा ज़्यादा जोर देती है, शिक्षा पे नहीं देती है। और आप कह रही रोज़गार घटता जा रहा है, लेकिन भाजपा ये दावा करती है कि हमने 2 करोड़ रोज़गार दिए। तो वो पेपर पे तो वर्क कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि वास्तव में तो कुछ होता नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, जाते होंगे गांव कस्बों में भी, बहुत सारे लोग जो बाहर जॉब करते थे वो वापस गांव में आ गए हैं इस समय, और छोटे ठेले वाले लगा के काम चला रहे हैं। लेकिन ठेले पे जो सामान बिक रहा है उसको खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? जो छोटे रोजगार हैं, सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण बढ़ा है इनके सरकार में, आप कैसे? मेरे ख्याल से तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से ही हूँ और पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठती हूँ, आना जाना है क्षेत्र में, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये लोग सिर्फ कहते हैं करते नहीं हैं, और बहुत ही झूठे हैं ये लोग। भाजपा एक तरफ जो दावा देती है, नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा एक तरफ नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है 24 में कैसे समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी? देखिए, भाजपा का नारा एक तरफ है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने दिया था कि नारी वंदन नारी अभिनंदन, तो आप देखिए क्या हो रहा है। बेटियाँ सड़क पे हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? अभी 112 का आपने रिसेंटली एग्जाम्पल देखा होगा, सारी बेटियों को हटा दिया गया जॉब से। उसी दिन हमारे अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने सबके साथ दिवाली मनाई। हमारी जो सांसद है डिंपल भाटी, उन्होंने सभी के साथ, सभी बहनों के साथ
दिवाली मनाई और हम लोग शुरू से, आज से नहीं, नेताजी के टाइम से ही हम लोग नारियों का हमेशा सम्मान किए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किए हैं, क्योंकि नारी आधी आबादी की नेतृत्व करता है और नारी की इज्जत, नारी का सम्मान ही देश का सम्मान है। कहा भी जाता है कि जिस देश में नारी अगर स्वस्थ है, खुश है, तो उस देश का मतलब अच्छा है, वो बताते भी हैं। तो हम लोग 2024 में पूर्ण तरीके से और जन जन तक संवाद देंगे और नारियों को आगे बढ़ाएंगे और सब मिलकर सहभागिता से राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारी है, समाजवादी पार्टी, उसको जिता दिया। चलिए बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात कर लेते हैं, मैम से बात कर लेते हैं। हेलो मैम, कैसे कैसे टक्कर देंगी, मतलब एक नारी जो है 24 में लोकसभा चुनाव जल्दी है, करीब है, उसको साधने के लिए, भाजपा को टक्कर देने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने आज बैठक की, सारी महिलाएं उपस्थित रही, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, किस तरह से मैदान में उतरने वाले हैं 2024 के? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से उन्होंने आज हमें बताया भी है यहाँ पे कि किस नीतियों से हमें जाना है, हम उस हिसाब से जाएंगे। और 2024 में लोकसभा का चुनाव और बीजेपी को हराने का पूरा काम करेंगे। और जनता, महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उन्होंने इतने आरक्षण लिए हैं या ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लुभा लेंगे उनको, तो वो लुभाएंगे नहीं। जनता सब समझदार हो गई, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि हम इनके अगेंस्ट हैं और इनके अगेंस्ट रहेंगे, 2024 में भाजपा को हराने का काम करेंगे। चलिए शुक्रिया, आपने नंबर दे दिया मैम, अभी रुकिए, है ना। हेलो मैम, क्या क्या कुछ मीटिंग में बात हुई है 2024 में, किस तरह महिला पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी? कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, हमारी श्रीमती डिंपल जी थी मीटिंग में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की जी थी, उन सबके सामने ही बात हुई और महिलाओं ने अपना पक्ष रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ही महिलाओं का हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत देते हैं, और यहाँ भी उन्होंने कहा कि पूरा ही जो है वो हॉल बहुत ही मतलब फुल है और इतना कलरफुल है, और उन्होंने पीडीए में ए का मतलब जो है वो आधी आबादी का बताया और कह रहे थे महिलाओं को मैं इतना सशक्त देख रहा हूँ और आगे भी देखना चाहता हूँ। जिस तरह से महिलाएं यहाँ हिम्मत और हौसले के साथ आगे आई हैं और ऐसे ही महिलाएं हमेशा आगे बढ़ें, महिलाओं ने अपना पक्ष रखा और 2024 में जो भी हमारे आने वाले इलेक्शन है उसके लिए तैयारी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। क्या कुछ करेंगे आप लोग 24 में? वो अब जब इलेक्शन की तैयारी के लिए जब हम लोग तैयार हैं तब 2024 में आपको करके दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। पार्टी की तरफ से 2024 को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, आदेश नहीं, यहाँ पर एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है वैसे ही समाजवादी पार्टी में हम लोगों का सबका सम्मान है। और 2024 के चुनाव में रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी, क्योंकि ये चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा इस पूरी सरकार को बदलने में। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मजबूती से, और पूरी महिलाएं, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई त्रस्त है तो महिलाएं हैं, और महिलाओं ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और हम सब एकजुट होकर पूरी तरीके से उस चुनाव में लगेंगे, 2024 में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, बीजेपी तो ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि इस नारी को किस तरह से रिप्लेस कर पाएंगे समाजवादी? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें हैं और धरातल पर कुछ और है और बातों में कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। सच्चाई यही है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा तो लड़कियां ही त्रस्त हैं। बेटी बचाएंगे क्या, बेटी पढ़ाएंगे क्या, बीजेपी के नेताओं से ही बेटियों को बचाना पड़ रहा है। और अभी आपने देखा है कि साक्षी मलिक ने जो अपनी कुश्ती से अपना संन्यास लिया वो बहुत शर्मनाक था, बहुत निंदनीय है, क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी रही हूँ और मुझे बहुत ही अजीब लगा कि एक उस लड़की ने संन्यास लेने का फैसला किया जिसने विश्व पटल में देश का नाम रोशन किया, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनके द्वारा जो हरकतें हुई हैं, जो उन्होंने शारीरिक उत्पीड़न और इस तरीके के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच ना करते हुए आखिर बहुत परेशान हो के अगर कोई खिलाड़ी इस तरीके के फैसला लेता है तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत तकलीफ की स्थिति रही होगी जो साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया, वो मतलब संन्यास लिया। और इसी से मुझे लगता है कि सारा रिजल्ट सबको मिल जाता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हैं वो सिर्फ खोखली बातें हैं। मैम, ये कहते हैं कि हमने महिलाओं का सशक्तिकरण बनाया, इसको आप कैसे देखते हैं?
महिलाओं का सशक्तिकरण किस लेवल पर होता है कि देखिए महिलाओं को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका देते हैं, महिलाओं को घर से निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देते हैं, वहाँ पर सशक्तिकरण है। जब एक लड़की को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जब एक लड़की घर से निकलती है वो सुरक्षित घर वापस आएगी, एक माता को, एक माता पिता को विश्वास नहीं होता, ऐसी स्थिति में उस सरकार से अब महिला सशक्तिकरण की क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो नारी वंदन का प्रोग्राम करना और नारी शक्ति को एक थाने और कोतवाली में संचालित करना, ये खोखली बातें हैं, ज़मीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि 24 में एक आप लोगों को जो दिशा निर्देश मिले हैं, क्या कुछ कहा गया है इसके अंतर्गत, और आप महिला के तौर पर किस तरह से 2024 में चुनाव मैदान में उतरेंगी? देखिए ये बहुत ही धोखेबाज और ड्रामेबाज सरकार है। इस सरकार से कैसे निपटना है इसकी रणनीति बनी है, और हर बूथ स्तर पर महिलाएं काम कर रही हैं और जोड़ी जाएंगी और काम कर रही हैं, और इस सरकार को 2024 में उखाड़ करके फेंकने का काम केंद्र से जो ये गठबंधन है करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इतनी हत्यारी निर्दयी सरकार है कि आज ठेला वाला, खुंचा वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला परेशान है, उनके ठेले नहीं लग पा रहे हैं, रोड के किनारे लगे हैं, फिर भूखों मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैम ये तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों। अरे मैम आप देखिए ना, सड़क पे जाइए ना, सड़क पे जाइए देखिए कोई ठेले वाला है, अरे गरीब आदमी है जी का, यहीं पर देख लीजिए, हम लोग की दुकानें लगाते थे कौन सा किनारे थे, लेकिन सबको उजाड़ के इन लोगों ने फेंक दिया। गोरखपुर में मैं मुख्यमंत्री के शहर से आती हूँ, वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेले खुंचे वाले, सब्जी वाले, रेवड़ी वाले हैं, वो तबाह हो चुके हैं, सारे शहर को एकदम खाली करा करके रोड के किनारे से, अरे रोड पे ही तो आदमी जाएगा, किनारे ही तो जाएगा, कहीं अब छोटा मोटा जो जिसके पास दुकान नहीं है, मकान नहीं है, किस तरह से अपना जीविका सड़क पर चला रहा है, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये सरकार गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को एकदम खत्म करना चाह रही है, लेकिन हम अपने पिछड़े भाइयों से, दलित से, अल्पसंख्यकों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं सुधरे इस 2024 में, तो आने वाला समय आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके पूरे देश के लिए बहुत ही भयावह होगा। मैम आधी आबादी को साधने की कोशिश एक तरफ भाजपा कर रही है, एक तरफ विपक्षी सभी दल कर रहे हैं, जीत किसकी होगी? अब देखिए आधी आबादी को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पहले ही इसका ड्रामा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब जब नेताजी की सरकार रही तब तब आधी आबादी को ध्यान में रखा गया और उस हिसाब से योजनाएं लाई गई। उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आधी आबादी को साधने की नहीं बल्कि आधी आबादी के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है आज मौजूदा हाल में। और दूसरी रही बात कि 2024 में देखिए जिस तरीके के मामलात सामने आए हैं, हाथरस रहा हो, मणिपुर में अभी रिसेंट आपने देखा, आजमगढ़, फतेहपुर, जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और जो पीड़ित महिला है उसके साथ थानों में रेप होता है, इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें, 112 में बैठी हुई महिलाएँ, बच्चे, इन सारी चीज़ों का जो नज़ारा है वो यकीनी तौर पर इसका इफेक्ट 2024 के चुनाव में दिखने वाला है। पूरी तरीके से आधी आबादी कम से कम इनको नकारेगी और इसकी वजह से ये सत्ता के बाहर जाएंगे। तमाम जिलों से, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम जिलों से यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं। मीटिंग हुई है 2024 से पहले सपा के सामने करारी टक्कर। आधी आबादी को साधने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है, ये कारगर कितना साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, तमाम जिलों की महिलाएं हैं और सबका यही कहना है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताना है और इसीलिए लगातार ये प्रयास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और बूथ स्तर को मजबूत बनाने का काम करेंगी महिलाएं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।